Hi guys, welcome to your 31st Java tutorial in Hindi by TechnoSesh. और इस वीडियो में मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में. ठीक है, हमारे पिछले वीडियो में या फिर पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि एक्सेप्शन क्या होता है और हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. हैंडल कैसे करते हैं, हम ट्राई एंड कैच का प्रोसेस यूज़ करके हम उसको कैच करते हैं. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. दो तीन और तरीके की एक्सेप्शन हम देखेंगे. इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता था कि अरे एक आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन कैसे, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन को कैसे यूज करते हैं. हम लोग यही एग्जांपल एक देखेंगे. इज इक्वल टू न्यू इन, मैं एक अरे बनाऊंगा जिसका साइज होगा 5. ठीक है, अब 4 एक फॉर लूप बनाऊंगा. फिलहाल इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, और इसमें मैं डाल दूंगा एलिमेंट्स को 8i = i. ठीक है, इस पूरे कोड को मैं एक ट्राई के अंदर डाल दूंगा, इसलिए मैंने इसको कट किया. और यहां पे कैच होगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, और ये होगा ई. और जैसे वो कैच करता है तो हम इसको प्रिंट कर देंगे. दिस इज द एक्सेप्शन आई जस्ट गॉट और प्लस ई. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हम एक अरे बना रहे हैं, इसका साइज 5 है, पर मैंने इसको इसके अंदर 10 एलिमेंट घुसाने की कोशिश की. और अगर कोई एक्सेप्शन इससे निकलता है तो वो अरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन जो है पकड़ लेता है, और जैसे ही वो पकड़ लेता है वो सिस्टम प्रिंटलाइन के यूज से हम उसको प्रिंट करा देंगे. और इसमें और कुछ है करने के लिए, मेरे ख्याल से नहीं है, तो उसको मैं सेव करता हूँ. और अभी मैं इसको चलाने की कोशिश करूँगा. ये मेरी पिछले वाली एग्जाम्पल की आया है, एक्चुअली मैं इसको प्लेस करता हूँ. तो जैसे कि आपने देखा, इसमें कोई कोई एरर जो है कंपाइलर ने इसको इसके अंदर कोई एरर नहीं मिला इसको, मतलब सिंटैक्टिकली ये प्रोग्राम करेक्ट है, पर लॉजिकली ये प्रोग्राम गलत है. क्यों? क्योंकि देखते हैं हम. देखिए, एकदम से एक्सेप्शन आ गया क्योंकि दिस इज एन एक्सेप्शन आई जस्ट गॉट जावा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन 5. बेसिकली ये 5 जो है हमारा लाइन नंबर है. ट्राई में आपको पता चल गया. सॉरी, ये जो है लाइन नंबर नहीं है, ये एक्चुअली इंडेक्स नंबर है. इंडेक्स नंबर 5th पे अरे का इंडेक्स नंबर 5th पे उसको एक्सेप्शन मिला. सॉरी फॉर द मिस्टेक. ये क्या है, ये 5 लाइन नंबर नहीं है, ये 5 जो है वो 5th इंडेक्स पोजीशन ऑफ द अरे है, उसके अंदर उसको एक्सेप्शन मिल गया. क्योंकि 5th के बाद वो 6th पर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं इसके अंदर 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स को घुसाने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, ये था एक और एग्जाम्पल एक्सेप्शन हैंडलिंग का. तो जावा में बहुत सारे जो है जावा बहुत सारे एक्सेप्शन को डिफाइन कर सकते हैं. मेरे ख्याल से कुछ 10-15 है शायद. फॉर एग्जाम्पल, अरिथमेटिक एक्सेप्शन में हमने ये देखा, डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन देखा था. अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में हमने अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स वाला एक्सेप्शन देखा था. अरे स्टोर एक्सेप्शन है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन है. क्लास कास्ट मतलब अगर वो हम टाइप कास्टिंग में आगे देखेंगे. बेसिकली क्या होता है, अगर आप इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल को आप कोई और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता है या फिर
मतलब कन्वर्टिंग कन्वर्शन में अगर वो सूटेबल फॉर्मेट में नहीं है, ऑफ कोर्स इंट जो स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हो, पर कभी भी आप एक लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर टाइप सॉरी लॉन्ग डेटा टाइप का वेरिएबल को आप इंटीजर में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका साइज डिफरेंस वगैरह। ठीक है, अगर एक ऐसा चीज़ आता है या फिर फॉर एग्जांपल क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड लेना है, अगर एक मैं एक बुलियन को मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, उस वक्त हम यूज़ कर देंगे क्लास कास्ट एक्सेप्शन, और उसके बाद इनम कॉन्स्टेंट नॉन प्रेजेंट एक्सेप्शन, फिर इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन, वो सब थ्रेड्स में आता है हमारा जो हम आगे पढ़ेंगे। इनम आता है हमारा एन्यूमरेशन में, वो भी आगे हम करने वाले हैं। नल पॉइंट एक्सेप्शन क्योंकि हम वो तब यूज़ होता है जब वो एक नल पॉइंट एक्सेप्शन काफ़ी मतलब यूज़ हो जाता है, वो बेसिकली तब होता है जब हम जब 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 हम एक ऐसी चीज़ ऐसे ऑब्जेक्ट पे या फिर एक ऐसे रेफरेंस देते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का पर और एक मेथड भी डाल दिया और वो मेथड एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, या फिर ऐसे ही कुछ वो होता है। बेसिकली देखिए एक्सेप्शंस बहुत सारे मिलेंगे आपको, मैं पूरा एक्सेप्शंस एक बाई एक करके मैं दिखा नहीं सकता, मैं जो दो कॉमन है वो आपको दिखाया। आशा करता हूँ कि आप यू नो और भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके साथ क्योंकि एक्सेप्शंस जो है काफ़ी काम की चीज़ आती है। और एक और इस एक्सेप्शन का जो हम अगले वीडियो में देखेंगे वो है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। बेसिकली हम अपना ही एक्सेप्शन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ वो होगा कि एक्चुअली वो आप नेक्स्ट वीडियो पे देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एनीवेज गाइस आई होप यू अंडरस्टूड, मेरे मुझे लगता है कि मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे नीचे मैसेज करिएगा, और अगर आपको 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 ये वीडियो बहुत पसंद आए तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं। अगर आपको मेरी पूरी सीरीज़ जो है देखता रहना कंटिन्यूअसली तो आप सब्सक्राइब बटन जो है ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब फिर से मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई भी डाउट आए तो ज़रूर ज़रूर मुझे पूछिएगा, कमेंट्स पे डाल दीजिएगा या फिर मैसेज भेज दीजिएगा। ओके गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेर आई बी टीचिंग यू यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस।